कि आप सभी को पता है, मैं आप लोगों को बहुत दिनों से बोल रहा था, हम सभी लोग जो है जाने वाले हैं हैदराबाद से वारंगल के लिए, जहाँ पे हमारा मेन कैंपस है। ये हमारा सेकंड कैंपस है और मेन कैंपस हनुमकुंडा वारंगल में है। तो हम सभी लोग अभी सुबह का टाइम है और अभी हम लोग जाने वाले हैं वहाँ पे, और क्या कुछ होता है नहीं होता है आप लोगों को जरूर से दिखाने के लिए कोशिश करूंगा। तो वीडियो में आगे तक बने रहिए, आप लोगों को भी दिखाऊंगा और आप लोग भी कॉमेंट सेक्शन में बताना वीडियो कैसा लगता है। और यहाँ पे हमें कॉलेज की तरफ से फ्रूटी वगैरह दिया जाता है, और फ्रूटी के साथ जो है मैं चिप्स वगैरह लाया था वो मैं खाता हूँ, और यहाँ पे गाना वाना सुनता हूँ जो कि आप लोगों को मैं नहीं सुना सकता क्योंकि कॉपीराइट क्लेम आने का चांसेस है। तो व्यू को एंजॉय करते करते हम लोग जो है वारंगल के लिए हैदराबाद से निकल गए। टूल गेट है और यहाँ पे टॉयलेट है, इसीलिए हम लोगों को यहाँ पे रुका के हम लोग अभी जो है फ्रेश होने के बाद अभी जा रहे हैं, वहाँ पे हमारा कार है वहाँ पे उठने के लिए। यहाँ पे टूल गेट है और यहाँ पे हमारा कार है, और हम सभी लोग जो है अभी फ्रेश होने के बाद अभी बैठने के लिए जाएंगे। और देखते ही देखते हम लोग जो है वारंगल आके पहुंच गए, और यहाँ पे गर्मी जो है हैदराबाद से दो गुना ज़्यादा है। तो गर्मी को चीरते हुए हम सभी लोग बस से आके पहुंच गए हनुमकुंडा, जहाँ पे हमारा मेन कैंपस है। लेकिन ड्राइवर की एक गलती के कारण हम लोग जो है अंदर नहीं जा पाए क्योंकि उसने बस को घुमा दिया था, तो उसका स्किल अच्छा नहीं लगा हमें। तो हम लोग यहीं पर हम लोग उतर गए। तो उतरने के बाद जो है मैं वेट करने लगा क्योंकि दो दिन पहले हमारा कुछ दोस्त यहाँ पे आ चुके थे क्योंकि अरेंजमेंट वगैरह करना था। तो उनके लिए वेट करते करते वो सभी लोग आते हैं, उनसे हम मिलते हैं, मिलने के बाद उन सभी के साथ हम लोग चले आते हैं। हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे वारंगल का जो हॉस्टल है, जो कि पहले भी आप लोग देख चुके हैं मेरे वीडियो में, तो वहाँ पे हम लोग जाएंगे। हम लोग यहाँ पे हॉस्टल पे आए थे, आने के बाद मैं जो है अपना फ़ोन चार्जिंग पे लगा के छोड़ गया था, तो इसी वजह से नहीं दिखा पाया। हम लोग लंच किए और ये है हॉस्टल का कमरा, आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा बहुत फ्रेश हुए, फैन का हवा वगैरह खाया, और खाने के बाद अभी जो है हम लोग जाने वाले हैं कैंपस के अंदर। खाने के बाद हम जो है अभी जा रहे हैं फेस्टिवल के लिए। तो यहाँ से है मेन गेट, अभी जो है हम लोग अंदर जा रहे हैं जहाँ पे हमारा फेस्टिवल वगैरह सेलिब्रेट होगा, वहाँ पे हम सभी लोग जो है रेडी होके अभी वहाँ पे अभी एंटर करेंगे। वो है सामने, आप लोग देख सकते हो, जो कि आप लोगों को अच्छे से मैं अंदर जाके अभी दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे जो है सेंसलर सर को और वाइस सेंसलर सर को जापी गमुसा और होराय से उन सभी को सम्मान दिया जाता है। असम कंसल्टेंसी का हेड फरीद सर को भी यहाँ पे सम्मान के लिए गमुसा वगैरह दिया जाता है। और ये सब होने के बाद, पूजा वगैरह होने के बाद जो है केक कट होता है और सभी स्टूडेंट को खिलाया जाता है, और खिलाने के बाद जो है यहाँ पे हमारा बिहू डांस स्टार्ट हो जाता है।
अच्छे से बिहू सेलिब्रेशन होने के बाद मैं जो है आ जाता हूँ कैंपस घूमने के लिए, और कैंपस का और एक ब्लॉक आप लोगों को ज़रूर से दिखने को मिलेगा। और कैंपस आप लोगों को कैसा लगा और बिहू कैसा लगा आप लोगों को मुझे कॉमेंट सेक्शन पर आप लोग ज़रूर से बताना। तो उसके लिए चैनल को अभी से सब्सक्राइब करके रखिए। तो बिहू ख़त्म होने के बाद यहाँ पे हमें केक वगैरह दिया जाता है और बोरा पीठा बोलते हैं जो उसके साथ पीठा है, उसका नाम बोरा पीठा है। तो पीठा वगैरह हम लोग खाते हैं, खाने के बाद जो है डिनर का टाइम हो जाता है। तो हम सभी लोग आ जाते हैं बॉयज़ हॉस्टल पर। हमारे लिए स्पेशल डिनर था जो कि चिकन बिरयानी था। तो बिरयानी खाने के लिए हम सभी लोग लाइन पर लग जाते हैं, और अच्छे से बिरयानी वगैरह खाने के बाद डिनर होने के बाद हम सभी लोग आके बैठ जाते हैं बस पे। और थोड़ी देर आने के बाद हम लोग एक ढाबे पे रुकते हैं, वहाँ पे फ्रेशअप वगैरह होते हैं। होने के बाद हम सभी लोग वहाँ से रवाना हो जाते हैं।